गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय फिजिकल एजुकेशन क्लास। टुडे वी गोइंग टू लर्न टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, स्पोर्ट न्यूट्रिशन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। फर्स्ट, स्पोर्ट न्यूट्रिशन, इट डील्स विद टाइप एंड क्वालिटी ऑफ फूड इनटेक बाय ए स्पोर्ट पर्सन, या इसमें क्वांटिटी भी आप ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ स्पोर्ट पर्सन? तो कंपटीशन से पहले क्या खाना चाहिए, कंपटीशन के बाद क्या खाना चाहिए, कंपटीशन के दौरान क्या खाना चाहिए, थ्री स्टेज होती है परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन बिफोर कंपटीशन, इसमें एक हफ्ता पहले की, बिफोर वन वीक से लेकर 3 to 4 आवर बिफोर परफॉर्मेंस तक की डाइट हम ऐड करते हैं। क्या खाना चाहिए? आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है और किस वे में एनर्जी मिलती है। वे से मीन्स कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ऑफ 3 एलिमेंट्स। सबसे जल्दी किससे एनर्जी मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, तो स्पोर्ट्स में हमें एक्सप्लोसिव पावर की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, अधिकतर स्पोर्ट्स में तुरंत एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, कंपटीशन से पहले हम कॉम्प्लेक्स CHO उसको, यानी कार्बोहाइड्रेट, भोजन में उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं और कम क्या करते हैं, प्रोटीन कम करते हैं और फैट को कम कर देते हैं। ठीक, इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स प्रणाली से ग्लाइकोजन हमारी मांसपेशियों में, मसल्स में एंड लीवर में स्टोर होना शुरू हो जाता है और ये हमें कंपटीशन के दौरान एनर्जी देता है। ठीक, तो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देते हैं, क्या खाते हैं, व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, मिल्क यूज करते हैं और केक वगैरह जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द कंपटीशन। कंपटीशन के दौरान वी फेस टू मेन प्रॉब्लम, ड्यूरिंग द कंपटीशन वी फेस टू मेन प्रॉब्लम। फर्स्ट इज पानी की कमी, ठीक, और दूसरी है शुगर का या ग्लूकोज का हमारे रक्त में मात्रा कम हो जाना, यानी हम फैटिग्यू फील करने लगते हैं। ठीक, तो थकावट और डिहाइड्रेशन, प्यास लगती है और थकावट जल्दी होती है। क्या करेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट 1 घंटे पहले से और जो इंट्रोल मिलते हैं आपको उसमें हम यूज करते हैं, खाते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है बनाना, एनर्जी ड्रिंक, फ्रूट जूस आदि इसमें खिलाड़ी को दिए जाते हैं ताकि उसके ग्लूकोज का लेवल उसके रक्त में बना रहे, थकावट ना, और मेन थिंग पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक, नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन आफ्टर कंपटीशन। बच्चों आप जानते हैं कुछ गेम हमारे कॉन्ट्रैक्ट गेम होते हैं जैसे बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, इन सब में क्या होता है, हमारे टिश्यूज, हमारे मसल्स के जो अंदर टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो बर्न बहुत होते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है। और दूसरी चीज, हमें इंजरी बहुत हो जाती है, हाथ में सूजन आ गई, हाथ अट गया या टखने में चोट लग गई, तो इन सब में हम क्या करते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं। अब यहां जाकर प्रोटीन की मात्रा हमने बढ़ा दी और दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि जो ग्लाइकोजन हमारे मांसपेशियों में, मसल्स एंड लीवर वगैरह में स्टोर था, उसकी हम क्या करते हैं, दोबारा रिस्टोर करते हैं। तो हम क्या बढ़ा देंगे, कॉम्प्लेक्स CHO।
यानी कार्बोहाइड्रेट भी हम इसमें बढ़ा देते हैं। ये दो घंटे के बाद से आप ये डाइट लेना शुरू कर देते हैं। सभी हेडिंग्स में मैंने आपको कहा था कि आगे बताऊंगा, तो आगे आपको क्या बताऊंगा, इन सब में विटामिन और वाटर और मिनरल्स का ध्यान रखेंगे। इनमें तीनों स्टेज में हम विटामिन और मिनरल को इनकी मात्रा के अनुसार थोड़ा थोड़ा जितनी आवश्यकता है उतना तीनों में देंगे, इनमें कोई कमी नहीं करेंगे। बाकी कमी किसमें करेंगे, फैट में करेंगे। फैट में कमी क्यों करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं स्पोर्ट्स में हमें जो वर्ग मिलते हैं, किस वर्ग में आप खेलेंगे वो हमारे वेट के अनुसार डिसाइड होते हैं। पता चला आपने प्रोटीन ज्यादा खा लिया एक हफ्ता पहले ही, आपका वेट 60 से बढ़कर 70 हो गया, तो आपके लिए कंपटीशन के दूसरे लेवल में खेलना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम फेस ना हो इसलिए आप देखते होंगे खासकर पहलवान, ये सब अपनी डाइट को बहुत स्पोर्ट न्यूट्रिशन के द्वारा जो डिसाइड किया गया है उसको ही खाते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि हमें क्या खाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, नीड होती है, ये डिसाइड होता है। इसमें फर्स्ट है बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये नाम आपने सुना होगा बेसिक, अरे गाड़ियों में नहीं लिखा रहता BS4 BS6, वो भी एनर्जी से ताल्लुक रखता है वो, और ये भी एनर्जी से ही ताल्लुक रखता है। तो इसमें रिक्वायरमेंट होती है 1.3 कैलोरी पर केजी पर आवर के अनुसार। ठीक, एक एग्जांपल लीजिए, वेट 60 केजी हो तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए पर डे, यानी 24 घंटे में। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ये आता है हमारा 1872 कैलोरी। अब इस व्यक्ति को जो 60 किलो का है 24 घंटे में 1872 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट। बच्चों ये एक्सरसाइज गेम या ट्रेनिंग के लिए, अरे सीधे क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2 आवर की ट्रेनिंग के लिए हमें 60 किलो के व्यक्ति को कितनी एनर्जी चाहिए। हम 2 आवर की ट्रेनिंग के लिए, इसमें आता है 8.5 कैलोरी पर केजी पर आवर, 8.5 इंटू वेट कितना है 16, कितने देर के लिए 2 आवर के लिए, 2 को उधर हम मेंशन कर सकते हैं, कितना आएगा 1020 कैलोरी। इसको हम बोलते हैं EER और इसको बोलते हैं BER, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब आपसे मैं पूछ लूं कि 2 आवर ट्रेनिंग के लिए EER कितना होगा, तो आप दे जाएंगे कि सर EER कभी सुने ही नहीं। तो EER एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट और BER बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट, याद रखिएगा कि 1.3 कैलोरी पर केजी पर आवर होता है और ये 8.5 कैलोरी पर केजी पर आवर होता है। अब एक नेक्स्ट लेवल की क्वेश्चन में हम जाते हैं कि अगर पूछा जाए कि एक व्यक्ति है वेट वही रखते हैं 60 केजी और वो 24 घंटे में 2 घंटा ट्रेनिंग भी करता है, तो पूरे दिन की एनर्जी आप बताएंगे क्या करेंगे, टोटल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे,
कि बी ई आर प्लस ई आर को ऐड कर देंगे, ठीक। ये कॉन्सेप्ट से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हो सकता है इसके बाद दिन भर में 24 घंटे में आदमी सोता भी है तो उसमें एनर्जी लेवल अलग रहता है, यूज होना था। और जब मैं काम कर अभी मैं यहां दौड़ने लगू, ऐसे से दौड़ने लगू, तो वो ट्रेनिंग या एक्सरसाइज के अंतर्गत आ जाएगा, पर मेरा एनर्जी मुझको चाहिए 8.5 कैलोरी प्रति केजी। पर ये सारा काम जब तक वीडियो हो रही चल रही है तब तक तो हो रहा है, तो अगर वीडियो 10 मिनट्स की है तो 10 मिनट्स के अंतर्गत ही निकाल देंगे। तो इसी प्रकार हम 24 आवर का ही निकाल रहे हैं, 24 आवर में 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है। समझ में आया, क्लियर हुआ? हम इसको ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट से हम ऐड कर दें 3 प्लस 120, टोटल हमारा आएगा 2892 कैलोरी, ठीक। ये हमारा 24 घंटे की टोटल एनर्जी आ गई, इसमें आप 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसी फॉर्मूले में हम कई बार सुनते हैं कि हमें 24 घंटे में कितनी एनर्जी चाहिए, एक ऑफिस में बैठने वाले के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एक परिवार के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो ये हम उसमें डिसाइड करते हैं कि अलग अलग एक बच्चे के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो जैसे एडल्ट मेल है अगर 60 केजी का, ये एडल्ट मेल है 60 केजी का, इसको कितनी एनर्जी चाहिए, तो हम इसमें बताते हैं 2800 कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, बीच में ट्रेनिंग भी करता होगा, एक्सरसाइज भी करता होगा और नॉर्मल वर्क भी करता होगा, तो उसमें बी ई आर और ई ई आर को ऐड कर लिया जाता है। क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू।